व्हाट इज पावर पॉइंट। तो गॉगवेल टेक्निकल इंफो नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब MSW लोगो सीख चुके थे। MSW लोगो में हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखा था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के लिए ही बनाया गया है। प्रेजेंटेशन लिखी जाती है, इसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट की जाती है, इसी के जरिए हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या इससे फायदे होंगे, क्या मतलब हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट का लाभ क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, इस चीज़ के हम लोगों के बारे में बताते हैं। तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग वर्किंग भी बताते हैं, एनिमेशन करके भी बताते हैं। इसमें एनिमेशन क्या होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या नुकसान होगा, ये चीज़ हम इस पावर पॉइंट के जरिए प्रेजेंट करते हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए ही बनाया जाता है। प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट, तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसमें क्रिएट कर देते हैं। तो जी बनाया कर, अब हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री। पावर पॉइंट को रोबर्ट गस्टिन और डेनिस ऑस्टिन द्वारा सिलिकॉन वैली में फोर्टोड नाम का एक व्यक्ति था, उसके नाम इनके नामक एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में बनाया गया था। फोर्टोड की स्थापना 1983 में भविष्य की व्यक्तिगत कंपनियों के लिए एक व्यक्तिगत एकीकृत वातावरण और एप्लीकेशन बनाने के लिए की गई थी, जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करेगा। लेकिन यह चल गया था कठिनाइयों में। उन और आरंभ और नई योजना की आवश्यकता होती है। 5 जुलाई 1984 को फोर्टोड ने रोबोट ग्राफिक्स को अपने पाद विकास के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 51 एक नया एप्लीकेशन बनाने के लिए जो विशेष रूप से नए ग्राफिकल पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल मैकिंटोश के लिए उपयोग होगा। ग्राफिक्स ने अपना प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत किया। पावर पॉइंट लगभग एक महीने बाद 14 अगस्त 1984 दो पेज के दस्तावेज के रूप में आया, जिसका शीर्षक था ओवरहेड प्रोजेक्शन के प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अक्टूबर 1984 तक गास्विन ने डेनिस ऑस्टिन को पावर पॉइंट के लिए डेवलपर के रूप में चुना था। गास्विन और ऑस्टिन ने एक साथ काम किया लगभग एक वर्ष तक, नए उत्पाद की परिभाषा और डिजाइन और काम किया और 21 अगस्त 1985 को पहला निर्देशक दस्तावेज तैयार किया। इस पहले डिजाइन दस्तावेज में एक उत्पाद दिखाया गया जैसे कि यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 में दिखेगा, जो उस समय जारी नहीं किया गया था। उस विशिष्ट का विकास नंबर 1985 में मैकिंटोश के लिए ऑफिस्टन द्वारा किया गया था। जून 1986 में उत्पाद विशिष्टता विवरण दस्तावेज, इनमें मैकिंटोश और विंडोज दोनों के लिए एक उत्पाद का वर्णन किया गया था। लगभग उसी समय ऑस्टिन रूडिंग और ग्राफिक्स के ने एक दूसरा और अंतिम प्रमुख डिजाइन विनिर्देशक दस्तावेज तैयार किया। इस बार मैकिंटोश लुक दिखाया गया। इस विकास के अवधि के दौरान उत्पाद को विस्तृत कहा जाता था। फिर रिलीज से ठीक पहले नाम को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने के लिए फोर्टोड ने वकीलों के साथ अंतिम समय में जांच की गई और प्रस्तुतकर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इस उपयोग पहले ही किसी और द्वारा किया जा सका था। ग्राफिक्स का कहना था है कि उन्होंने व्यक्तिगत प्रस्तुतकर्ताओं को शासक करने के उत्पाद के लक्ष्य के आधार पर पावर पॉइंट के बारे में सोचा और उस नाम को मंजूरी के लिए वकीलों के पास भेजा, जबकि सभी दस्तावेजों को जल्दबाजी में संशोधित किया गया था। वकीलों के पास भी भेजा, फोटो के नाम से किया गया, इनके नामों से ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बनाया गया जिससे हम यूजर को इंटरफेस प्रस्तुत कर सकें, यूजर को दिखा सकें वो कैसे काम करती है, किस तरीके से क्रिया काम करती है,
वो प्रोडक्ट किस वर्क पर काम करता है, किस बेनिफिट क्या देगा, क्या फायदा देगा, वो चीज हम इस पावरपॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं। तो ये चीजें हम इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए ही बनाया जाता है पावरपॉइंट। तो पावरपॉइंट में वो सब दिखाने के लिए हमें एनिमेशन करनी पड़ती है, उसका वीडियो डालनी पड़ती है, टाइटल्स डालने पड़ते हैं, सब चीजें डालनी पड़ेंगी इस पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट में आपको एक एक स्लाइड बनानी पड़ेगी, हर स्लाइड यहाँ दिखेगी, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि स्लाइड्स, ये तो आउटलाइन है, ये है स्लाइड्स, यहाँ पे स्लाइड बनती चली जाएगी। पहले एक ही पेज क्रिएट होता था, अब दो दो पेज क्रिएट, दो या दो से ज़्यादा पेज क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि स्लाइड बाई स्लाइड। और अब हम लोग जान लेते हैं इसमें कौन कौन से मीनूज हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले फाइल मीनू मिलता है, फाइल मीनू के अंदर हमें सेव, सेव एस पीडीएफ, ओपन, क्लोज, इन्फो, इन्फो में हमें सब जानकारी मिल जाएगी, मतलब परमिशन क्या क्या है, प्रिपेयर फॉर सेलिंग वर्जन कौन सा है, रिसेंट जो हमने पहले से खोली हुई फाइलें हैं वो फाइलें मिल जाएंगी, न्यू में हम नई फाइल बना सकते हैं, प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट कर सकते हैं, सेव एंड सेंड कर सकते हैं, किसी दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग होम मीनू जान लेते हैं, होम मीनू होता है, इंसर्ट मीनू होता है, डिजाइन मीनू होता है, ठीक है, ट्रांजिशन मीनू होता है, एनिमेशंस होता है, स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो हमें किस लिए चाहिए, स्लाइड शो हमें चाहिए खुद तो चला करके देखने के लिए ही, और दूसरा शो कराने के लिए सामने वाले यूजर को, हम जब व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो तो उस समय हमें स्लाइड शो फुल उस पर दिखाना है, ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाना होता है। स्लाइड शो का मतलब ही यही होता है कि हमें पूरे उस पर खोल देना, ठीक है, यानी एक तरीके से मूवी की तरह दिखा देना, एक तरीके से पूरा मूवी दिखाना, यानी कि ये नहीं दिखाना कि हमें कि उसमें क्या वर्क किया है, हमें कोड नहीं दिखाना किस तरीके से वर्क किया गया है, सीधे हमें स्लाइड चला के दे देनी। रिव्यू के अंदर हमें सारे मीनू मिल जाते हैं, व्यू के अंदर हमें क्या क्या व्यू दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, वो सब मिल जाता है। एडिंस के अंदर हमें ब्लूटूथ दिया है, ब्लूटूथ के द्वारा हम लोग शेयर कर सकते हैं, मीनू कमांड ले सकते हैं। एक्रोवेट है, ठीक है, और जो मैं मीनू कर रहा हूँ, मान लो मतलब मैंने अभी अभी आपको गायब करके दिखाया था कि मीनू नीचे का सब मीनू घर से गायब हो जा रहा है, जब मैं डबल क्लिक करता हूँ किसी भी मीनू पे सेक्शन पे तो वो मीनू गायब हो जाता है, और डबल क्लिक करूँगा तो वो मीनू वहीं पे रहने लग जाएगा, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपको सारे मीनूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, और आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लग रही हो तो कृपया करके शेयर करें और लोगों तक। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।